हे गाइस, वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 और चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक्सरसाइज है 12.2। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन 10th का। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of umbrella। देखिए, एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स है। रिब्स समझ लें आप, रिब्स तो पसली को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रिब्स का मतलब है स्ट्रिप्स वगैरह है, फ्लैट हिस्सा। ठीक है, अब कह रहा है कि अम्ब्रेला का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको आप फ्लैट सर्कुलर मान लें। ऐसे होता है हालांकि, ठीक है, इसमें बना हुआ है। ठीक है, ये रिब्स जो है 8 अलग, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, इक्वल स्पेस में 8 रिब्स है, तो हम बना लेते हैं। आप मान लेना कि इक्वल स्पेस है। ठीक है, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब तो ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब आगे में क्या कह रहा है, इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग टू बी अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 40। फ्लैट सर्कल मान लिया, रेडियस कितना इसका कह रहा है लेने के लिए, यहाँ से आते हैं, रेडियस कितना कह रहा है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में उनके एरिया क्या है, यही तो है, ये रिब्स है और ये रिब्स है। ठीक है, इनके बीच का एरिया क्या होगा, ये एरिया पूछ रहा है आपसे, एक हिस्से का एरिया क्या होगा। तो सेक्टर ही तो बन रहा है, ये रिब से फॉर्मेशन से क्या हो रहा है, सेक्टर बन रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको आसान है, एंगल आप निकाल लीजिए, एंगल एंगल बिटवीन द टू रिब्स, दो रिब्स के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री तो टोटल एंगल है, सर्कुलर है, तो डिवाइड कर देंगे, कितना हिस्सा बन रहा है, ठीक है, कितना एरिया बन रहा है ऐसा ऐसा, तो कितना सेक्टर बन रहा है, देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हिस्सा बन रहा है, तो हर एक हिस्से का कितना एंगल होगा, मतलब 8 एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ना जी। देखिए, यहाँ 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 यहाँ, और सब एंगल मिल करते हैं 360 डिग्री, तो एक पार्ट, एक एरिया जो होगा दो रिब्स के बीच का जो हिस्सा है उसका जो एंगल होगा वो 8 से डिवाइड कर देंगे, तो एक सेक्टर का हिस्सा यानी कि एक दो रिब्स से बना एक एरिया जो उसका एंगल निकल जाएगा, या फिर एक सेक्टर का एंगल निकल जाएगा। ठीक है, इसे देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 8 1 8, 8 4 32, इधर शिफ्ट हो गया कितना, 4 8 5 45, यानी कि सॉरी 45 डिग्री आपका ये निकला एंगल बिटवीन द टू रिब्स। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, 45 डिग्री। अब निकाल लो जो कह रहा है कि टू कॉन्जिक्यूट एरिया और रेडियस कितना दिया हुआ है, फाइंड रेडियस आपका यही है। ठीक है, अम्ब्रेला टू बी रेडियस तो था ना अभी, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है, 45, रेडियस स्मॉल आर 45 सेंटीमीटर। ठीक, अब आंसर लिख रहे हैं हम, आंसर तो यहीं से आपका शुरू हो गया सॉल्यूशन, एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला, क्या हो जाएगा, जगह यानी ये इस वजह से यहाँ पर लिख रहे हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह अगर 3.14 का है तो 3.14 देंगे, वरना 22/7 देंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है, कोई मेंशन नहीं कर रहा है पाई की जगह क्या लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह क्या होगा, 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह रेडियस क्या आपका, 45 सेंटीमीटर, 45 इंटू 45। ठीक है, अब देखिए ये कैसे कैंसिल हो सकता है, 45 है और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35,
वन इधर शिफ्ट हो गया, 5 2 10, ये 72 आ गया, ठीक है। और कोई कैंसिल हो रहा है क्या? 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 236 टाइम में, 2 3 6, 1 इधर शिफ्ट हो गया, 12 हो गया, 2 6 12, और 2 1 2 2 1 2, ये 36 है, और ये क्या है, 45, ये 3 से हो जाएगा कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ देखिए 3 1 3, 3 5 15, 12 है, और 3 4 12, 3 5 15, ठीक। क्या रह गया आपका ऊपर में, 9 इंटू इस पार्ट से 11, इस पार्ट से 5 और 45, नीचे में क्या रह गया आपका, सिर्फ 4, ओके, 7 भी है ना, 7 भी है, ठीक है, 4 इंटू 7। तो अब कोई भी कैंसिल हो रहा है क्या आपस में? कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 11, 99, 99 इंटू 5 इंटू 45, ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू 2 2 2 7 5 अपॉन 4 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया आपका। आप चाहो तो इसे सॉल्व करके लिख लो, और फ्रैक्शन पॉइंट वगैरह में आएगा, या फिर ऐसे ही रहना तो ये भी सही है फ्रैक्शन में भी, ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू।